तो कल से 6 दिन तक हमको ढके रहना है। बीच में हम 4थे दिन इसका पाइप का मुंह खोलते हैं और 5वें दिन बगल से खोलते हैं, 6ठे दिन पूरी पाइप पूरा खाद को खोल देते हैं और हम इसको पुनः जो है मिश्रण करते हैं, पहली पलटाई कहते हैं। और पहली पलटाई करके हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6ठे दिन पुनः हम उसी तरह से थोक लगा करके नीचे 2 फीट ऊंचा फिर पाइप इसी तरह से लगा करके हम रख देते हैं और पुनः हम इसको ढकते हैं। 4था दिन है ये, आप इसका मुंह खोलिए उधर से भी इधर से भी। 4th डे मुंह खोल के ये पाइप जो है ऊपर करिए, खोलिए। अब हे देखिए ना, ऐसे करके रखिए, ये देखिए उधर भी पाइप का मुंह ऐसे खोल के कर दीजिए। नीचे वाले फांत लगाइए नीचे, अभी टेम्परेचर बना रहे हैं। अच्छा, तो ये हो गया 4था दिन माने 4थ डे। अब 5थ डे माने 5वां दिन आप आने दीजिए, 5वां दिन आप खोलिए, साइड से खोल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा खोल करके ये पन्नी खाली बस ऊपर रख दीजिए, हो गया, मतलब नीचे से। हाँ, बस ऐसे करके बस यहाँ छोड़ दीजिए। हाँ, ये हुआ 5वां दिन, ठीक, 5थ डे हुआ ये। इसके बाद में अब 6ठा दिन इसको हटा के किनारे कर दीजिए, हटाइए। ये 6थ डे, देखिए ईंटा न गिरे, इसको ले जाके दूर रखिए। माने हो गया 4थे दिन मुंह खोलना, 5वें दिन खोलना, 6ठे दिन अब इसको पलटाई करना है। यह ईंटा उटा हटाइए, अब बेलचा लाइए, देखिए अब इसको इस तरह से हटाइए, लीजिए। हाँ, लीजिए, एक तरफ ही तोड़िए इसको। ये आपको 6ठे दिन की बात है, तो कुल मिला के कई दिन हुआ ध्यान दीजिएगा। कहने को तो हम 6ठा दिन कहते हैं थोक लगने का। 2 दिन पानी दिया, 1 दिन विश्राम दिया, 3 दिन, 1 दिन थोक लगाया, 4 दिन, तो माने कुल 10 दिन लग गया इसमें। तो उसी हिसाब से आप 10 दिन पहले हट जाए, क्योंकि ये तो सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई भी विधि रहेगा तो वो करेगा, वो सामान्य प्रक्रिया है, उसमें आपको ये करना है। और इसमें से धुआं निकलता है, तो आप ये धुआं को क्या, गैस ना, कुछ गैस उसमें प्रिजर्व रह जाती है। अब आप उसको तोड़ करके बढ़िया सा फैलाइए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पाइप बढ़िया क्वालिटी का लीजिएगा, नहीं तो एक कई बार में ना चिपटा हो जाएगा। पुनः जो है मिश्रण करते हैं, पहली पलटाई कहते हैं। और पहली पलटाई करके हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6ठे दिन पुनः हम उसी तरह से थोक लगा करके नीचे 2 फीट ऊंचा फिर पाइप इसी तरह से लगा करके हम रख देते हैं और पुनः हम इसको ढकते हैं।